हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम डी एक्सप्रेस के एलीट इलेक्ट्रिक स्कूटर इसका टेस्ट राइड करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि इस स्कूटर में आपको काफ़ी सारे कैरियर्स देखने के लिए मिलते हैं, फ्रंट बैक मिड में आप देखेंगे काफ़ी स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो डिलीवरी के लिए काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसमें जो लाइट का सेटअप है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फुल LED आपको लाइट मिल जाती है, देखेंगे आप जो लाइट है फुल LED है और फ्रंट में भी देखेंगे आपको बड़ा सा कैरियर मिल जाता है, सामान ले जाने के लिए काफ़ी सही है। और ब्रेक्स की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम 250 वॉट्स की मोटर है और बैटरी जो है डिटैचेबल है, सीट के नीचे रहती है, उसको नीचे निकाल भी सकते हैं और जो है आप साइड से चार्ज भी कर सकते हैं पार्किंग लोकेशन में। तो ये वाला जो है पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें पीछे आपको जो है ज़्यादा सामान ले जा नहीं सकते। साइड में आपको कैरियर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं साइड में कैरियर्स, इस साइड आप दोनों साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस स्कूटर का भी हम टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको जो है ये बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, किलोमीटर की रीडिंग दिखा देता है और स्पीडोमीटर दिखा देगा। और यहाँ पे जो है मैंने पार्किंग का कर रखा है इसलिए आपको दिखा रहा है। और राइडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। रिवर्स का एक स्विच मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, लेफ्ट एंड राइट स्विच मिल जाते हैं। और इसमें जो है आपको ये मोबाइल माउंट भी मिल जाता है और इसमें जो है USB चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ USB चार्जिंग मिल जाती है, ठीक है। इसको हमने किसी रीज़न से लगाया नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक और जो है कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो उसके बारे में आपको मैं बाद में बता दूँगा, ठीक है। तो जो है इसको भी हम अनलॉक कर देते हैं। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाते हैं। तो स्पीड जैसे मैंने बताया कि इसकी जो स्पीड है अराउंड 25-30 किलोमीटर पर आर की है, लेकिन जो है इसका कैलिब्रेटेड है तो स्पीड आपको इसमें अराउंड 40 तक भी मिल जाती है, 40 किलोमीटर पर आर की। तो राइड क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट है राइड क्वालिटी, थोड़ा सा जो है स्कूटर हल्का बहुत हिलता भी है लेकिन ज़्यादा नहीं हिलेगा इतना। और बैटरी की बात करें तो उसमें आपको 60 वोल्ट, 36 और 42 एम्पेयर आर की जो LFP बैटरी मिलती है, लिथियम फेरोफॉस्फेट। तो जो ये बैटरीज होती हैं काफ़ी सेफ रहती हैं, इन बैटरीज में जो है आग भी नहीं लगती, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी सेफ बैटरी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे मैंने बताया कि एम्पेयर आर के हिसाब से इसकी प्राइस होती है और रेंज होती है, 30 एम्पेयर आर में आपको जो है रेंज 90-100 किलोमीटर की मिलेगी और उसकी जो प्राइस है अराउंड 78,000 है ऑन रोड पुणे। इसके बाद 36 एम्पेयर आर की बैटरी की बात करें तो उसकी जो प्राइस है अराउंड 84,000 ऑन रोड पुणे है और उसमें आपको 110-120 किलोमीटर तक का रेंज मिलेगा। तीसरी बैटरी जो है आपको 42 एम्पेयर आर की मिलती है और उसकी जो रेंज होती है वो 130-140 किलोमीटर तक की मिल जाती है और जो प्राइस है वो अराउंड 90,000 ऑन रोड पुणे है। तो इस टाइप से इसकी पूरी प्राइसिंग है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर डिसेंट है, परफॉर्मेंस ओके है, मतलब ज़्यादा कंपेयर तो हम इसको अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ठीक ठाक है। सस्पेंशन भी आप बात करेंगे तो नॉर्मल सस्पेंशन है, थोड़ा बहुत जो है इसमें स्लाइट जो है वाइब्रेशन मिलता है लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब वाइब्रेशन मीन्स थोड़ा सा आवाज़ आपको नॉइस सुनती है। और थ्रॉटल रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो थ्रॉटल है काफ़ी लीनियर है, ऐसा नहीं कि कोई जर्क आपको आएगा, लीनियर थ्रॉटल रिस्पांस है। और हैंडलिंग की बात करें तो थोड़ी बहुत गाड़ी हिलती है, अगर आप जब भी टर्न लेते हैं तो थोड़ा बहुत गाड़ी हिलती है लेकिन डिसेंट है, ज़्यादा हिलती नहीं है, नॉर्मल इस प्राइस के हिसाब से आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस मिलती है, राइडिंग परफॉर्मेंस। और सीटिंग की बात करें तो सीटिंग भी अच्छी है, बट जो पिलियन का जो पीछे का जो ये इन्होंने जो पार्टीशन बना रखा है राइडर और पिलियन के बीच में, उसमें थोड़ा बहुत जो है आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट सा होता है बट मैनेजेबल है, ज़्यादा कुछ आपको डिस्कम्फर्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी ओके है, क्योंकि स्पीड इसकी ज़्यादा है नहीं, अराउंड 25-30 किलोमीटर पर आर की स्पीड मिलती है तो उसके हिसाब से इसकी ब्रेकिंग ओके है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन ओके है, ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सस्पेंशन आपको नहीं मिलेंगे लेकिन डिसेंट, इस प्राइस के हिसाब से आपको डिसेंट परफॉर्मेंस इन सस्पेंशन से देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर और चार्जिंग पोर्ट में मिल जाता है। अगर आप डिलीवरी के लिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंसीडर करते हैं तो आप अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे जो मोबाइल माउंटिंग मिल जाता है और उसमें आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और रेंज जैसे मैंने बताया कि 90,000 रुपीज़ ऑन रोड पुणे वाले में आपको अराउंड 130-140 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा जो है इसमें बैटरी का अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जितना आपका रेंज का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला सकते हैं। बस प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है टर्न पे जब है,
क्योंकि टायर इसमें पतले हैं, तो टर्न और जैसा आप देख सकते हैं सस्पेंशन कुछ ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, थोड़े बहुत हार्ड ही हैं, और सस्पेंशन का कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट होते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो सस्पेंशन का एक थोड़ा प्रॉब्लम मुझे इसमें लगा। जैसे आप अभी यहाँ पर टर्न करेंगे तो टर्न करते टाइम पर जो इसके टायर्स हैं वो थोड़े बहुत पतले हैं, उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो इतना नहीं आता है इसको चलाने में। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी। बाकी स्पेस के हिसाब से और अगर आप स्लोली चलाते हैं गाड़ी को, ज़्यादा रफ नहीं चलाते, तो आप आराम से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बार ब्रेकिंग दिखा देता हूँ। तो ब्रेकिंग अच्छी है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रेकिंग में। तो स्पीड के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग ओके है। अभी मैं आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के चाबी के बारे में बताता हूँ, की के बारे में। इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, लॉक अनलॉक और कीलेस एंट्री। तो कीलेस एंट्री के बारे में सबसे मैं आपको पहले बता दूँ। तो जैसे डबल प्रेस करेंगे तो की विदाउट की आप देखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप गाड़ी को बंद करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप बंद कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मुझे लॉक करना है तो इस की से मैं अब लॉक कर सकता हूँ। तो लॉक हो गई है। अगर इस गाड़ी को मैं आगे चलाऊँगा तो देखेंगे आप यहाँ पे जो अलार्म है वो बजने लग जाता है। तो इस टाइप से जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई मतलब हाथ नहीं लगा सकता है। और इसको अनलॉक करना है तो जस्ट आपको ये वाला प्रेस करना पड़ेगा बटन, तो इससे ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है। लॉक करेंगे तो इससे बंद हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ आपको मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें आपको जो है हैंडल लॉक का सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी ऑन होती है, यहाँ पर सिर्फ ऑन होती है और ऑफ़ होती है। इसमें आपको हैंडल लॉक का कोई भी सिस्टम नहीं मिलता। इसमें जो भी है वो कीलेस एंट्री के थ्रू होता है। जैसे अगर आप इसको पूरा लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बटन को दबा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, लॉक हो जाएगी मींस। और इसको कोई चलाएगा तो ऐसे ये आवाज़ करने लगेगी, फिर इसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा। तो इस टाइप से इसमें आपको लॉकिंग का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो यही सब डी एक्सप्रेस के एलीट इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक राइड रिव्यू था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू।